दोस्तों आप सभी लोग एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे और एटीएम मशीन में जाके पैसे निकालते होंगे, लेकिन दोस्तों आपके साथ ऐसी घटना घट सकती है या फिर घटी होगी कि आप जो है एटीएम कार्ड लगाए एटीएम मशीन में और पैसा ट्रांजेक्ट हो गया, लेकिन आपके पास पैसा आप एटीएम मशीन नहीं दिया। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम 10,000-20,000 आपने निकाला कट गया और आपके पास पैसे नहीं आए, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्त? जी हाँ दोस्तों, क्या करना चाहिए? आप जो है एटीएम मशीन में स्वैप किए कार्ड और आपने पासवर्ड इंटर किया, पैसा इंटर किया 10,000-20,000 जो भी निकाल रहे हैं, और आपका एटीएम मशीन पैसा दिया ही नहीं और मोबाइल पे मैसेज आ गया कि पैसे कट गए, तो आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में यही बताएंगे। इस वीडियो को सभी दोस्तों को फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। दोस्तों ये आम घटना है, सभी लोगों के साथ घट सकती है, तो सभी के पास इसकी जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। आपको इसके बाद कौन सा कदम उठाना है, आपके पैसे कैसे मिलेंगे, आखिर पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या चल रहा है, सारा कुछ तो जानना ही पड़ेगा आपको ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद प्रकाश सहगल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सहगल। तो चलो शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर एक जानकारी पाएं सच्चाई के साथ। सब्सक्राइब करें टेक्निकल सहगल चैनल को और इस घंटे को दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग, मैं बताया कि एटीएम कार्ड का इस्तेमाल सभी लोग करते होंगे और एटीएम मशीन से जाके स्वैप करके पैसे तो निकालते ही होंगे, सभी लोग को आता भी होगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है एटीएम मशीन में गए और स्वैप किए, पासवर्ड इंटर किया और पैसे 10,000-20,000 जो भी निकाल लें वो इंटर किया, और इसके बाद ट्रांजेक्शन चला और इसके बाद ट्रांजेक्शन फेल्ड लिख दिया और मोबाइल पर टिप से एक मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट से 10,000-20,000-5,000 जो भी दिए हैं वो कट गए। तो ऐसे में आपको कौन सा कदम उठाना है दोस्तों? सबसे पहला तो आप सभी लोग पागल हो जाएंगे, मैं भी पागल हो जाऊंगा यार, भाई मेरी मेहनत का है 10,000-5,000 जो भी है, पागल तो हो ही जाएंगे यार, मेरे पैसे कहाँ गए, कैसे हो गए। तो ऐसे में सभी लोग हताश हो जाते हैं, आप भी हताश हो जाएंगे, लेकिन इसमें हताश होने की बात नहीं, समझदारी से काम करना चाहिए और इसी समझदारी से आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे, वो भी एक हफ्ते के अंदर। जी हाँ, एक हफ्ते के अंदर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं तो बैंक आपको 100 रुपये रोज़ाना देगी। जी हाँ, बैंक आपको 100 रुपये रोज़ाना देगी आपके हर जाने के रूप में। दोस्तों ये RBI का नियम है कि अगर आप जो है अपने बैंक से किसी ATM से, बैंक के ATM से, जैसे कि आपका SBI है तो SBI के ATM से या फिर आप अदर बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं, और पैसे निकालते वक्त आप स्वैप करके पैसे निकालते हैं, आपने अमाउंट भर देते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल्ड होने के बाद भी पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन अपने बैंक को देनी है। जी हाँ, अपने बैंक को देनी है, और अगर बैंक बंद है तो आपको क्या करना है कि आपको अपना जो कस्टमर केयर है, बैंक का कस्टमर केयर होता है, वहाँ पे फ़ोन करके उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद सुबह, जैसे कि शाम को ही बैंक बंद रहता है या फिर संडे को बंद रहता है, तो फिर जिस दिन बैंक ओपन होता है बैंक में जाइए, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराइए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सभी बैंक में कागज़ नहीं निकलता है। जी हाँ, सभी बैंक में ATM है, सभी बैंक के ATM में, कोई भी ATM हो, मैक्सिमम में जो कागज़ होता है, जो स्लिप बोलते हैं, वो नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में आपको क्या काम करना है कि अपने पासबुक की जो प्रिंट आउट होती है, जो पासबुक में जो पासबुक होता है, उस पासबुक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, उस पासबुक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप जो है 7 दिन में सारा कंप्लेंट कर दिया, आपने बैंक में भी जाके कंप्लेंट किया, कस्टमर केयर भी कंप्लेंट किया, नहीं आ रहा है आपका पैसा, तो आप रिटर्न में कंप्लेन लिखिए, अपने बैंक को ले जाके देखिए। जी हाँ, रिटर्न में कंप्लेन लिखिए, स्लिप लगाइए, स्लिप नहीं है तो बैंक का जो पासबुक होता है वो स्टेटमेंट बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट, उसको लगाइए और वहाँ पे दे दीजिए, और एप्लीकेशन की सुनवाई 7 दिन के अंदर होगी, नहीं होगी तो बैंक हर दिन का 100 रुपये देगी आपको। जी हाँ, ये RBI का नियम है, और यहाँ भी नहीं होता है तो आप RTI अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, RTI अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जी हाँ, बशर्ते आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ में आप जो है बैंक का पासबुक लगा सकते हैं, या फिर आपके पास ट्रांजैक्शन वाला है वो लगा सकते हैं, और ट्रांजैक्शन लगाने के साथ साथ आप बैंक का एड्रेस बताएंगे, ATM का एड्रेस, वहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग होता है ना, ATM में रिकॉर्ड होता है, तो वहाँ से रिकॉर्डिंग निकाल के देखी जा सकती है कि हाँ बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। 7 दिन के अंदर मिलता है, RBI का नियम है, नहीं देता कोई बैंक 7 दिन के अंदर, 100 रुपये का हर जाना देगी, डेली हर जाना देगी।
तो दोस्तों जितना हो सकेगा शेयर करिएगा, ये जानकारी आपको नहीं मालूम होगी, और अगर ये सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी लोग एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रॉब्लम आम प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, लेकिन हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं और हम फंस जाते हैं। और दोस्तों कई कई बार रहता है कि हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होते हैं, कोई भी फॉर्म भर लो, गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं, और हमारा जो फॉर्म भरते समय हम जो है ये कार्ड से पैसे पे करते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से पैसे पे कर सकते हैं, और इंटरनेट स्पीड हमारी कम होने की वजह से ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है, लेकिन हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसकी भी जानकारी आप जो कस्टमर केयर को दे सकती हैं, या फिर 24 आवर वेट करिए, ये पैसा आप ही के अकाउंट में रहता है, वो पैसा कहीं जाता नहीं, आपके अकाउंट में एक ब्लैक एक जगह स्टोर रहता है। जी हाँ, आप ही के अकाउंट में रहता है, एक जगह स्टोर रहता है, और 24 घंटे के अंदर वो आपके आपके मेन अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाता है, आपके अकाउंट में शो होने लगता है। जितना हो सकेगा शेयर करिएगा, और अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। शेयर करिए दोस्तों, सभी दर्शकों तक पहुँचा दीजिए। मिलते हैं अपने ग्लोरी में, तब तक के लिए दीजिए जय, चैन, वंदे मातरम।